हेलो, वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स. आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक पर है वो है सीबीसीएस सिस्टम. ठीक है, आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है उसने पीजी लेवल पे सीबीसीएस सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है. अभी यूजी पर अडॉप्ट नहीं किया, उसको अडॉप्शन की तैयारी है. तो क्या है ये सीबीसीएस सिस्टम, इसका इंट्रोडक्शन और सब कुछ इस मैटर में है. तो हम लोग सारी बातें वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे यहाँ से, अब वो आसान है, आप पढ़ सकते हैं. सिर्फ जो टेक्निकल टर्म्स है उसके एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगी. ये बात जानने योग्य है आपके कि यूजीसी ने कई लेवल पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम को की ओवरहॉलिंग के लिए, उसको सुधारने के लिए उसमें बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे परिवर्तन किए, जिसमें से उसके एग्जामिनेशन सिस्टम की पैटर्न बदलने का एक सीबीसीएस सिस्टम बहुत बड़ा उसका एक चेंज है. तो हमें पता होना चाहिए कि सीबीसीएस सिस्टम क्या है. अच्छा, इसका फुल फॉर्म तो जान ही लीजिए. सीबीसीएस सिस्टम का फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. ओके, अभी सबके बारे में जानते हैं, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रही हूं यहां से, आसान है, आप पढ़ लेंगे. कि क्यों ग्रेडिंग सिस्टम को हम लोग लाए, ये सब लोग जानते हैं ना कि हम परसेंटेज और ग्रेडिंग में क्या फर्क है, परसेंटेज से ग्रेडिंग कैसे बेहतर है. क्या होता था कि जैसे ये इसका आप, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ सीबीसीएस पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ. अच्छा देखिए, एक और खास बात जो है, आपको सीजीपीए, ये बहुत पॉपुलर टर्म है ना, सब लोग सीजीपीए, तुम्हारा कितना सीजीपीए आया, किस सीजीपीए से पास हुए, तो सीजीपीए का भी फुल फॉर्म आपको जरूर पता होना चाहिए, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज. क्यूमुलेटिव मतलब हमने सारा जोड़ दिया है, सारा एक्यूमुलेट कर दिया है, ग्रेड पॉइंट एवरेज आपका. ठीक है, अच्छा, ये एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम ओवर परसेंटेज सिस्टम, ये आप खुद पढ़िए, इसमें आसान है, इसमें ऐसी कोई विशेष बताने वाली बात नहीं है. अच्छा, ये खास बातें जो आपको पता होना चाहिए कि कौन से की वर्ड्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं सभी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्सेज में जहां सीबीसीएस सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया है, सभी सेंट्रल स्टेट डीम टू बी यूनिवर्सिटीज में. एकेडमिक ईयर किसको कहा जाएगा, एकेडमिक ईयर, एकेडमिक शिक्षण सत्र किसको कहेंगे, टू कॉन्जिक्यूटिव सेमेस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट वन एकेडमिक ईयर. टू कॉन्जिक्यूटिव कैसे, वन ऑड प्लस वन इवन, जैसे जनवरी से जून है ना और जुलाई से दिसंबर, इस तरीके का आपका दो कॉन्जिक्यूटिव, एक ऑड और एक इवन सेमेस्टर चलेगा तो उसको एक एकेडमिक ईयर की संज्ञा दी जाएगी. अच्छा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, सीबीसीएस प्रोवाइड्स चॉइस फॉर स्टूडेंट्स टू सेलेक्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज, कोर, इलेक्टिव और माइनर और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज. ये कह रहे हैं या ये होना चाहिए कि यहाँ पर चूंकि चॉइस बेस्ड है, यानी कि स्टूडेंट को चॉइस दी जाए कि वो जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर कोर्स होगा, कुछ इलेक्टिव होगा, कुछ माइनर होंगे, कुछ सॉफ्ट स्किल के कोर्सेज होंगे, उसमें से अपनी सुविधा, अपनी पसंद, अपनी रुचि के हिसाब से वो कोर्स चुन सकता है. इसकी हमको सुविधा देनी होगी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में, यानी कि उसको अगर 20 क्रेडिट उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में चाहिए तो वो 5 क्रेडिट कहां से लेगा, 5 क्रेडिट कहां से लेगा, 5 क्रेडिट कहां से लेगा, मतलब मिनिमम एक कोर कोर कोर्स का क्रेडिट लेके वो बाकी क्रेडिट कहां कहीं से भी ले सकता है. इसकी सुविधा छात्रों को देनी होगी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में. लेकिन यथार्थ यह है कि अभी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए फिर हमको और फैकल्टी चाहिए, और मैन पावर चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व हो, कौन सा बच्चा कितने कोर है, कितने इलेक्टिव हैं, फिर उसके उस हिसाब से ना. तो बहुत 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 ये इतना बोलने में आसान है लेकिन ये थोड़ा मैनेज करना मुश्किल है. इसलिए जनरली हम सीबीसीएस में अपने बच्चों को चॉइस तो नहीं दे पाते, सिर्फ हमने क्रेडिट सिस्टम को फॉलो किया, पर कुछ यूनिवर्सिटीज, अच्छे इंस्टीट्यूशंस उनको चॉइस भी देते हैं. अभी हम लोग जान लेंगे कोर, इलेक्टिव, माइनर, सॉफ्ट स्किल कोर्सेज क्या है. कोर्स देखिए, सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजन वाली बात, हम लोग जनरली जो एजुकेशन के फील्ड के नहीं, या ये लोग जो टेक्निकल टर्म्स नहीं जानते, वो कोर्स को समझते हैं कि सॉरी बीए एमए ये कोर्स है. नहीं, बीए एमए कोर्स नहीं है, बीए एमए प्रोग्राम्स है. तो देखिए, कोर्स है क्या, यूजुअली रिफर्ड टू एज पेपर्स, इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ ए प्रोग्राम. जैसे कि मान लीजिए बीए में आपके कितने पेपर हैं, तो वो जितने पेपर हैं वो आपके कोर्स होंगे इस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, और हमको इसको फॉलो करना होगा. तो प्रोग्राम के कॉम्पोनेंट को कोर्स कहा जा रहा है. ऑल कोर्सेज नीड नॉट कैरी द सेम वेट, ये भी है, जरूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम के जितने कोर्सेज या जितने पेपर हैं वो सेम वेट कैरी करें, मतलब सेम क्रेडिट के कोर्स नहीं हो तो भी चलेगा. द कोर्सेज शुड डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स. अगर वो कोर्स है तो उसको जरूर से जरूर परिभाषित करना चाहिए कि उसके क्या उद्देश्य हैं और क्या आउटकम उसका निकल के आने वाला है.
और ए कोर्स मे बी डिजाइन टू कंप्राइज लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, लेबोरेटरी वर्क, फील्ड वर्क, आउटरीच एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट वर्क, वोकेशनल ट्रेनिंग, सब कुछ. यानी कि कोर्स में ये सब होगा कि सॉरी लेक्चर होगा, ट्यूटोरियल्स होना चाहिए, लैब अगर उस तरीके का सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल तो लैब हो, फील्ड वर्क हो, नहीं तो आउटरीच एक्टिविटीज हो, बाहर जाकर आप कुछ काम करें, कुछ प्रोजेक्ट का काम करें, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग हो, असाइनमेंट दिए जाए, प्रेजेंटेशन, सेल्फ स्टडी, सब कुछ मिलकर एक कोर्स को कंप्लीट करेंगे. अच्छा CBCS होना चाहिए या ना, देखिए SS लिख दिया, सॉरी CBSS ही है. क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम क्या कह रहे हैं कि अंडर द CBSS द रिक्वायरमेंट फॉर अवॉर्डिंग अ डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इज प्रिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्रेडिट्स टू बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स. यानी कि यहां सारी बातें किसके संदर्भ में हो रही है, क्रेडिट के संदर्भ में, कि आपको कितना क्रेडिट मिला. तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट देखिए कैसे निकलता है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जितना क्रेडिट होगा और जितना आपको उसमें ग्रेड पॉइंट मिलेगा, उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनके प्रोडक्ट को हम क्रेडिट पॉइंट कहेंगे. देखिए यही लिखा है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेड पॉइंट, जितना आपने ए बी सी डी उसमें सिक्योर किया है, एंड नंबर ऑफ क्रेडिट्स फॉर ए कोर्स. वो 20 क्रेडिट का कोर्स है, 5 क्रेडिट का कोर्स है, कितने क्रेडिट का कोर्स है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपका क्रेडिट पॉइंट आएगा, है ना. फिर क्रेडिट, क्रेडिट किसको कहते हैं ना, जिसे कहते हैं कितने क्रेडिट का कोर्स, कितने क्रेडिट का कोर्स. इसका क्या मतलब है कि ए यूनिट बाय विच द कोर्स वर्क इज मेजर्ड, वो ये वो इकाई है जिससे आप अपने कोर्स वर्क को नाप सकते हैं. कैसे, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड पर वीक. ये क्रेडिट बताता है कि उस कोर्स को पढ़ाने के लिए कितने घंटे आपको पर वीक जरूरत है. वन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर ऑफ टीचिंग. यानी कि एक क्रेडिट का मतलब है 1 घंटे का टीचिंग, लेकिन अगर ट्यूटोरियल 1 घंटे की टीचिंग और 2 घंटे का प्रैक्टिकल काम, यानी कि अगर प्रैक्टिकल का वर्क है तो उसके 2 घंटे लगेंगे और लेक्चर है तो 1 घंटा मिलाकर दोनों इक्विवेलेंट होंगे 1 क्रेडिट के. तो अगर 5 क्रेडिट का कोर्स है तो उसका क्या मतलब हुआ कि 1 हफ्ते में उसकी 5 लेक्चर लगने चाहिए, या अगर प्रैक्टिकल है तो 10 बार, मतलब 5 बार लगे लेकिन 2-2 घंटे का लगे. ठीक, अब इसका मतलब आपको समझ में आया. फिर CGPA क्या कह रहे हैं, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज. इट इज ए, ये सबसे खास बात ना, सबसे ज्यादा CGPA सबसे ज्यादा पॉपुलर टर्म है. इट इज ए मेजर ऑफ ओवरऑल क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट ओवर ऑल सेमेस्टर्स. यानी कि ये जो छात्र की परफॉर्मेंस है, निष्पत्ति है उसकी, वो उसके सारे सेमेस्टर्स में जो उसकी परफॉर्मेंस है उसका एक्यूमुलेशन है. कैसे निकाला जाता है कि द CGPA इज द रेशियो ऑफ टोटल क्रेडिट पॉइंट सिक्योर्ड बाई ए स्टूडेंट इन वेरियस कोर्सेज इन ऑल सेमेस्टर्स. यानी कि सारे कोर्सेज में सारे सेमेस्टर में जितना उसने क्रेडिट पॉइंट सिक्योर किया है उसको हम भाग दे देंगे किससे, एंड द सम ऑफ द टोटल क्रेडिट्स ऑफ ऑल कोर्सेज इन ऑल सेमेस्टर्स. यानी कि क्रेडिट पॉइंट टोटल को टोटल क्रेडिट से भाग दे देंगे तो हमारा CGPA आ जाएगा. और इसको कहां तक निकालना है, इट इज एक्सप्रेस्ड अप टू 2 decimal places, यानी दशमलव के 2 स्थान तक आप इसका मान निकालेंगे. ग्रेड पॉइंट क्या है, इट इज ए न्यूमेरिकल वेट अलॉटेड टू ईच लेटर ग्रेड ऑन ए 10-point स्केल. यानी कि 10-point स्केल पे आपको कौन सा न्यूमेरिकल वेट अलॉट किया गया है वो आपका ग्रेड पॉइंट बन जाएगा. लेटर ग्रेड बोलते हैं ना, ओ का मतलब आउटस्टैंडिंग आपका है, ए प्लस वेरी गुड है, ए प्लस का एक्सीलेंट है, ए वेरी गुड है, बी प्लस, इस तरीके से करते हुए इन्होंने टर्मिनोलॉजी दी है लेटर ग्रेड की कि इट इज एन इंडेक्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन ए सेट कोर्स. अगर ओ है तो हम समझ जाएंगे कि बहुत बढ़िया आपका CGPA क्योंकि आपने आउटस्टैंडिंग अचीव किया है. प्रोग्राम कोर्स क्या है, प्रोग्राम का कंपोनेंट, और प्रोग्राम क्या है, एन एजुकेशनल प्रोग्राम लीडिंग टू अवार्ड ऑफ ए डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट. हम आपको डिग्री दे रहे हैं तो डिग्री आपको बीए की मिलती है, बीए के किसी पेपर की नहीं मिलती है, तो बीए की डिग्री मिलती है. इसका मतलब बीए एक प्रोग्राम है जिसकी आपको डिग्री मिल सके, जिसका आप डिप्लोमा कर रहे हैं, जो आप सर्टिफिकेट कोर्स है तो वो प्रोग्राम है. और कोर्स क्या है, उसका एक कॉम्पोनेंट या उसका एक पेपर है ना, ये बात ध्यान रखने योग्य है. फिर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, SGPA क्या है, इट इज ए मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क डन इन अ सेमेस्टर. यानी कि एक सेमेस्टर की बात अगर करेंगे तो SGPA, क्योंकि सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट एवरेज है. लेकिन अगर CGPA की बात करेंगे तो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि सारे सेमेस्टर का एक्यूमुलेशन. ओके, तो इसी में इसलिए इस तरह से क्या हो जाएगा कि जैसे उसमें क्या करते थे, टोटल क्रेडिट पॉइंट को टोटल क्रेडिट से भाग देते थे, लेकिन यहाँ पे उस सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट पॉइंट को उस क्रेडिट से भाग दे देंगे तो SGPA निकल आएगा. सेमेस्टर क्या कह रहे हैं कि ईच सेमेस्टर विल कंसिस्ट ऑफ 15-18 वर्क्स ऑफ एकेडमिक वर्क इक्विवेलेंट टू 90 एक्चुअल टीचिंग डेज. यानी कि अगर 90 आपके दिन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं टीचिंग डेज के तो वो सेमेस्टर कंप्लीट नहीं माना जाएगा. और जो ऑड और इवन सेमेस्टर की बात करी जा रही थी, वो कह रहे हैं कि द ऑड सेमेस्टर
मेनी शेड्यूल फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर एंड इवन सेमेस्टर फ्रॉम जनवरी टू जून, यानी कि जुलाई से दिसंबर वाले को हम ऑड सेमेस्टर कहते हैं और जनवरी से जून वाले को इवन सेमेस्टर कहते हैं। फिर ट्रांसक्रिप्ट और ग्रेड पॉइंट, ग्रेड कार्ड और सर्टिफिकेट, बेस्ड ऑन द ग्रेड्स अर्नड अ ग्रेड सर्टिफिकेट शैल बी इश्यूड टू ऑल द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आफ्टर एवरी सेमेस्टर। कहने की जो भी आपने ग्रेड अर्न किया, जो भी आपको ग्रेड मिला है, उसके हिसाब से आपको प्रत्येक सेमेस्टर के बाद एक ग्रेड सर्टिफिकेट देना होगा। द ग्रेड सर्टिफिकेट विल डिस्प्ले द कोर्स डिटेल, इसमें आपके कोर्स की डिटेल होगी, क्या क्या, कोड, टाइटल, नंबर ऑफ क्रेडिट्स और ग्रेड सिक्योर्ड, अलोंग विद एसजीपीए ऑफ दैट सेमेस्टर एंड सीजीपीए अर्नड टिल दैट सेमेस्टर। ठीक, तो ये हो गया। फिर सेमेस्टर सिस्टम एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का क्या है कि द इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव बीन मूविंग फ्रॉम द कन्वेंशनल एनुअल सिस्टम। मतलब पहले जब हम लोग एग्जामिनेशन देते थे तो एक एनुअल सिस्टम होता था, सिर्फ हमको सालाना एग्जाम देना होता था, हाफ ईयरली का भी कोई अर्थ नहीं था, और उसमें जो हमने पाया उससे हमने हमारे जीवन में हमको तमगा मिल जाता था कि हम फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, फेल है, वॉट एवर। लेकिन ये धीरे धीरे एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम में कन्वर्ट हुआ और सेमेस्टर सिस्टम के बाद सीजीपी आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आ गया। तो बहुत सारा इसमें अच्छा ही है कि ये हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हमको प्रोवाइड करता है, यानी कि हम हॉरिजॉन्टली मूव करें, वर्टिकल भी मूव कर सकते हैं, है ना। फिर फ्लेक्सिबिलिटी हमको प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे कि हम इतनी चॉइसेस जो दे रहे हैं आपको। तो अच्छा, अब जरा सा ये जान लें कि चॉइस आपको किन कोर्सेज के लिए मिलती है। जो हमने कोर, इलेक्टिव और ये सब फाउंडेशन कोर्स की बात की थी, उसका क्या मतलब है कि कोर्सेज इन ए प्रोग्राम मे बी ऑफ थ्री काइंड्स, तीन प्रकार के कोर्सेज हो सकते हैं। कौन कौन से? कोर, इलेक्टिव एंड फाउंडेशन। कोर कोर्स क्या है कि देयर मे बी अ कोर कोर्स इन एवरी सेमेस्टर, यानी कि प्रत्येक सेमेस्टर में एक कोर कोर्स होगा जो कि करना ही करना है। दिस इज द कोर्स विच इज टू बी कंपल्सरीली स्टडीड बाय अ स्टूडेंट एज ए कोर रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रोग्राम इन ए सेट डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। ना मतलब आप किससे, कौन सा डिसिप्लिन है आपका, तो उस डिसिप्लिन की डिग्री आपको मिले इसके लिए उतना जो एसेंशियल है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसका कोर कोर्स आपको करना ही है। बचे हुए क्रेडिट्स आप इलेक्टिव से ले सकते हैं। तो इलेक्टिव क्या है? इलेक्टिव कोर्स इज ए कोर्स विच कैन बी चूजन फ्रॉम ए पूल ऑफ पेपर्स। बहुत सारे पेपर्स हैं, उसमें से हम चूज कर सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? सपोर्टिव टू द डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, आपकी डिसिप्लिन को सपोर्ट करता हुआ हो सकता है। प्रोवाइडिंग एन एक्सपेंडेड स्कोप, उसका स्कोप बढ़ाने वाला हो सकता है। इनेबलिंग एन एक्सपोजर टू सम अदर डिसिप्लिन, किसी और डिसिप्लिन का भी हो सकता है। या नर्चरिंग स्टूडेंट्स प्रोफिशियंसी स्किल, हमारी कोई स्किल है उसका भी कोर्स हो सकता है आपका। कौन सा? इलेक्टिव। फिर इसमें भी जेनरिक, इलेक्टिव, डिसिप्लिन सेंट्रिक और ओपन इलेक्टिव। फाउंडेशन कोर्सेज क्या कह रहे हैं कि दी फाउंडेशन कोर्सेज मे बी ऑफ टू काइंड्स। फाउंडेशन कोर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से? कंपलसरी फाउंडेशन एंड इलेक्टिव फाउंडेशन। तो कंपलसरी फाउंडेशन क्या कह रहा है कि कंपलसरी फाउंडेशन कोर्सेज आर दी कोर्सेज बेस्ड अपॉन दी कंटेंट दैट लीड्स टू नॉलेज इनहेंसमेंट। यानी कि कंपलसरी फाउंडेशन का मतलब है कि वैसा कोर्स जो हमारे नॉलेज यानी कि ज्ञान के विस्तार का काम करेगा, वो तो कंपलसरी फाउंडेशन कराएगा। और ये दे आर मैंडेटरी फॉर ऑल डिसिप्लिन्स, ये सारे डिसिप्लिन्स के लिए मैंडेटरी होगा। जैसे क्या हो सकता है, जैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन का कोई कोर्स हो, है ना, कि आप किसी भी डिसिप्लिन के ऊपर आपको इन्वायरमेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए। और इलेक्टिव सॉरी या कंप्यूटेशनल, कंप्यूटर की कोई स्किल का कोर्स हो, वो किसी भी डिसिप्लिन का बच्चा हो उसको पता होना चाहिए। इलेक्टिव फाउंडेशन कोर्स क्या कहता है कि वैल्यू बेस्ड है ना। कंपलसरी का मतलब सबके लिए जरूरी है, वैल्यू बेस्ड का मतलब हम कोई वैल्यू एजुकेशन का कोर्स करना चाहते हैं, हम किसी इथिक्स मोरालिटी इस पे कोई कोर्स करना चाहते हैं भी, तो हम ये हमारा इलेक्टिव फाउंडेशन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मैन मेकिंग एजुकेशन है ना, जैसे मतलब वो सारे कोर्सेज जो मैन मेकिंग एजुकेशन के तहत आ रहे हैं, वैल्यू बेस्ड है, वो इलेक्टिव फाउंडेशन के हो जाएंगे। और कंपलसरी फाउंडेशन का हो जाएगा जो सारे डिसिप्लिन के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। अब एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट। तो एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट जो मैंने टर्मिनोलॉजी थी खास वो आपको बता दी, इसको आप पढ़ लीजिए। लेटर ग्रेड्स एंड ग्रेड पॉइंट्स ये देख लीजिए। देखिए ओ का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग। ए प्लस का मतलब है एक्सीलेंट। ए का मतलब है वेरी गुड। फिर बी का मतलब है, बी प्लस है फिर ए के बाद, गुड है ये भी। बी अबव एवरेज है, सी एवरेज है, पी पास है, और एफ का मतलब है फेल। और ए बी अगर आपको ग्रेड मिला है इसका मतलब आप एबसेंट है। तो इसका मतलब क्या कि ए स्टूडेंट ऑब्टेनिंग ग्रेड एफ शैल बी कंसिडर्ड फेल्ड एंड विल बी रिक्वायर्ड टू रीअपियर इन द एग्जामिनेशन। अगर आप फेल हैं तो आपको दोबारा से एग्जाम देना होगा।
और फॉर नॉन क्रेडिट कोर्सेज सेटिस्फेक्ट्री और अनसेटिस्फेक्ट्री शैल बी इंडिकेटेड इंस्टेड ऑफ द लेटर ग्रेड. जब आप देखिए अगर आप कोर्सेरा वगैरह से कोर्स करते हैं, मूक कोर्सेज करते हैं, बहुत आपने मूक का नाम सुना होगा, तो वहां पे वो कहता है दिस इज ए नॉन क्रेडिट कोर्स. नॉन क्रेडिट कोर्स का मतलब है कि वो किसी डिग्री के कंप्लीशन के लिए नहीं दिया जा रहा है. डिग्री के कंप्लीशन के लिए जो कोर्सेज होंगे वो क्रेडिट कोर्सेज होंगे. तो क्रेडिट कोर्सेज में आपको लेटर ग्रेड मिलेगा, लेकिन नॉन क्रेडिट में आपको सेटिस्फेक्ट्री या अनसेटिस्फेक्ट्री मिलेगा. ठीक है. अच्छा, और क्या इसमें बताने वाली बात है? कोई विशेष बात नहीं है, तो ये आप अपने से पढ़ लीजिएगा. देखिए, तो सबसे खास बात इसमें जानने की ये थी कि पहले तो आपको टर्मिनोलॉजी पता हो कि सेमेस्टर किस कितने वर्किंग डेज हैं, क्रेडिट किसको कहते हैं, कोर्स क्या है, प्रोग्राम क्या है, एकेडमिक ईयर किसको बोला जाएगा, सीजीपीए क्या है, एसजीपीए क्या है, सारी टर्मिनोलॉजी जान लीजिए. अभी ये पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इसमें बचा हुआ है क्या, कंप्यूटेशन ऑफ एसजीपीए एंड सीजीपीए कि निकाला कैसे जाता है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज और क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स अपने मार्कशीट्स भी नहीं समझ पाते, वो कहते हैं मैम इसमें परसेंटेज गलत आई है, तो वो आपको कंप्यूटेशन पता होना चाहिए, उसके लिए हम दोबारा बात करेंगे. ठीक है, चलिए डन.